जयपुर में आयोजित हुए स्वास्थ्य उत्सव जेएचएफ समापन समारोह आयोजित हुआ। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित दो दिवसीय जेएचएफ में हजारों लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। समापन के अवसर पर जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर, कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल, रेसलर संग्राम सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। दो दिवसीय कार्यक्रम में निःशुल्क चिकित्सा जाँच शिविर, पैनल डिस्कशन, हेल्थ टॉक शो, स्वास्थ्य देखभाल में नए लॉन्च किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए गए। इस दौरान करीब 20 अस्पतालों के डॉक्टरों ने निशुल्क परामर्श दिया। हेल्थ फेस्टिवल, जिस दिन जयपुर हेल्थ को फेस्टिवल के रूप में मनाने लग जाएगा तो वो अपने आप में अद्भुत क्रांति है। हम हेल्थ के लिए सबसे पहले हमें जरूरत है एक अच्छे समाज की या अच्छा राजस्थान तब हो पाएगा जब हम हेल्थ पर ध्यान देंगे। और हेल्थ को पहला सुख निरोगी काया कहा गया है। सबसे पहला हमारे जयपुर में दो फेस्टिवल हो रहे हैं, एक तो हेल्थ फेस्टिवल, दूसरा लिटरेचर फेस्टिवल। तो पहला प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ फेस्टिवल, सेकेंड इज लिटरेचर फेस्टिवल। जयपुर हेल्थ फेस्टिवल के आज यहाँ पर दो दिवसीय कार्यक्रम में 19 हॉस्पिटलों ने पार्टिसिपेट किया है, और जो हॉस्पिटलों ने पार्टिसिपेट किया है वो अपने आप में अच्छे हॉस्पिटल और हर फैकल्टीज के हॉस्पिटल थे। आज उनको उनके जिस प्रकार का काम है, जिस प्रकार की जयपुर की जनता की सेवा करें, उनको अवार्ड दिया गया। मैं बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहता हूँ, और जयपुर हेल्थ फेस्टिवल के आयोजकों को, हिम्मत सिंह जी, भूपेंद्र जी, और जो सारा अरेंजमेंट देख रहे हैं अजय जी, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा जयपुर के लिए सौगात दी है। ये आज जेजीएफ ने जो किया ना, जीएचएफ ने, मैं सोचता हूँ मेडिकल जगत की जयपुर के अंदर क्रांति कह सकते हैं। पहले आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ। निश्चित तौर के ऊपर माननीय सांसद साहब पधारे हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, जयपुर के जन नेता हैं, और आज जो इन्होंने सुविधाएं दी हैं, पूरे दिन 8,000 रुपए तक के चेकअप फ्री किए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जयपुर की जनता को एक जन जागरण के अंदर लिया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय अजय जी को, हिम्मत सिंह जी को, सभी आयोजकों को, और ये पहला इतिहास है।